नमस्कार, आप देख रहे हैं जेजेबी न्यूज। पेश है आज की कुछ खास खबर। नोट नहीं तो टिकट नहीं, ऐसा राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नगर सेवक अमित सरैया ने राष्ट्रवादी के कैंडिडेटों से कहा। जहां थाने मनपा का चुनाव का माहौल चल रहा है, वहीं आज राष्ट्रवादी के कुछ कार्यकर्ता टिकट न मिलने से नाराज थे। वहीं राष्ट्रवादी का लोगों ने पोल खोला कि 10 साल से काम करने वाले कार्यकर्ताओं को टिकट ना देकर दूसरे नए चेहरों को पैसा लेकर टिकट बांट दिया गया है। राष्ट्रवादी माजी शहर अध्यक्षा वनिता ताई गोदपागर व विद्या शिंदे और गीतांजलि तांबे ने बताया कि दलित समाज की होने की वजह से हमें इस्तेमाल किया जाता है। प्रभाग क्रमांक 14 के टिकट फाइनल होने के बाद भी अमित सरैया के वजह से टिकट नहीं मिल पाया, जो पिछले 5 वर्षों से कभी दिखा नहीं उसको टिकट दिया गया, जिसमें निकिता पाटकर, श्रुति देसाई व सुधाकर नाइक को टिकट मिला लेकिन हमें नहीं। आइए जानते हैं इन लोगों की जुबानी, इनकी कहानी। लोग जो राष्ट्रवादी में इतने सालों से काम कर रहे हैं, तो क्यों आप राष्ट्रवादी को छोड़ रहे हैं और शिवसेना को आप सपोर्ट करने की बात कर रहे हैं? इसका बेसिक रीजन ये है कि ये सभी लोग समर्पित कार्यकर्ता हैं राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का, और जब आदरणीय माननीय श्री शरद पवार साहब ने राष्ट्रवादी कांग्रेस पक्ष का जब उन्होंने गठन किया था, तो ये वे पहले लोग हैं जिन्होंने आदरणीय शरद पवार साहब के विचारधारा को समर्थन दिया था, और उस समय जो उनका नेतृत्व था, जो उनका आदेश था, उसको स्वीकार करके, और जब कोई राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी को जानता नहीं था, उस समय आप लोगों ने, हम सभी लोगों ने प्रयत्न करके, प्रयास करके घर के अंदर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं को हम लोगों ने तैयार किया, और सतत संघर्ष हमारा जारी है। हमने सेना से भी फाइट किया, हमने बीजेपी से, जो भी हमारे अपोजिशन नेता में सबसे फाइट किया, और जमीन से लेकर के, और आज तक जो आज बड़े बड़े नेता आपको जो आज जो शिखर पे दिख रहे हैं ठाणे में या महाराष्ट्र शासन के अंदर, सबको आगे लाने में इन कार्यकर्ताओं का बड़ा योगदान है। उसके बदले में इन कार्यकर्ताओं को उपेक्षा, तिरस्कार ही मिला है और धोखा मिला है। हमारे पूर्व जो अध्यक्षा हैं ठाणे जिला राष्ट्रवादी कांग्रेस की, आदरणीय वनिता ताई जी गोदपागर, इन्होंने पक्ष के लिए वो सारे कार्य किए जो बाकी नेताओं ने करने की आज तक हिम्मत नहीं जुटाई, लेकिन दुर्भाग्य से पक्ष ने कभी भी इनके पक्ष को नहीं सुना, इनके कार्यकर्ताओं की आवाज़ को नहीं सुना, कभी इनको बुला के नहीं पूछा, इनके समर्थकों को नहीं पूछा कि आपकी मंशा क्या, आपके वार्ड के अंदर काम करने की। इसलिए मजबूर होकर के आज हम लोग ये बाइट दे रहे हैं, ये आज हम लोग इंटरव्यू कर रहे हैं, आज हम लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, और आपके माध्यम से हम थाने के नागरिकों से ये आह्वान करते हैं कि ऐसी धोखेबाज राष्ट्रवादी जो कांग्रेस पार्टी है, जिसने अपने दलित पिछड़े शोषित कार्यकर्ताओं घोर उपेक्षा किया है, इनका केवल शोषण किया है, दलितों के नाम पर उनको और दलित बनाया है, शोषितों के नाम पर उनको और शोषित किया है, शोषित किया है उनका, ऐसे धोखे भ्रष्ट राजनेताओं से इस ठाणे शहर को, ठाणे महानगर पालिका को बचाएं, ये मेरा आह्वान है आदरणीय वनिता ताई जी के नेतृत्व में, और विपक्ष में कोई भी सेना हो, भाजपा हो, हम आह्वान करते हैं उनको, आप बिताएं सेने को दंड दे, और हम अपने वार्ड में 6, 14 और 22 नंबर वार्ड में हम उनको धूल चटा के रहेंगे, उनको अपनी ताकत का एहसास करा करेंगे, ये हमारा संकल्प है। अच्छा, जैसा कि आपने बताया कि आपसे राष्ट्रवादी के कुछ नेता पैसे का डिमांड किए थे, तो वो कौन कौन से नेता थे जो पैसे का डिमांड किए थे टिकट को? देखिए, पैसे चूंकि हम तो टिकट के वेटिंग में थे, हम तो एक कार्यकर्ता है, लेकिन हमारे जैसे कि कुछ जो हमारे वेटिंग जो हमारे कैंडिडेट्स थे, हमारे जो सीनियर वर्कर्स थे, जैसे हमारी ताई है, प्रभाकर सावंत जी हैं, रविंद्र सालुंके जी हैं, इनसे कुछ लोगों ने डिमांड किया, जिस पे इन लोगों ने पहले आपको क्लेरिफिकेशन दिया हुआ है। तो ये इस प्रकार की बातें हो रही हैं, और आपको भी मालूम है तमाम बड़े बड़े पार्टियों, बड़े बड़े लोगों पर ये एलिगेशन लगे रहे हैं कि भाई उन लोगों ने पैसे डिमांड किए हैं, लेकिन आज ये बात सच्चाई है, किसी से छुपा नहीं, मीडिया से छुपा नहीं है, आज लोग बाहुबलियों को, धनबलियों को टिकट दे रहे हैं, लेकिन समर्पित कार्यकर्ताओं की लगातार उपेक्षा हो रही है, और सबसे बड़ा कारण यही है राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी को अलविदा कहने का। धन्यवाद। 6, 14 और 12 जो तीनों वार्ड है, तीनों 22, ये तीनों में आप कितने अपक्ष उम्मीदवार लड़ा रहे हैं? 14। देखिए, हमारे कुछ जगह पे डायरेक्ट अपक्ष उम्मीदवार लड़ रहे हैं, कुछ जगहों पे जहां उम्मीदवार नहीं खड़े कर पाए वहां पे हम दूसरे पक्ष के उम्मीदवारों को समर्थन कर रहे हैं। और अब किस पार्टी को आप सपोर्ट कर रहे हैं फिलहाल? जो भी एनसीपी को पराजित कर सकती है हम उसको सपोर्ट करेंगे। जहाँ पे पैसे का डिमांड किया गया था, कितने पैसे का डिमांड किया गया? कुछ एक अमाउंट सर्टेन की आपके पास, इतना अमाउंट है, इलेक्शन बहुत सारे खर्चे आते हैं, आपके पास है क्या? ये इस प्रकार, एक गरीब शोषित दलित लोग कहाँ से पैसे लाएंगे?
और मेरा भी लड़की ग्रेजुएट था, मेरे को बोला था तुम फॉर्म भरो, तुम्हारी लड़की को टिकट दे दे रहा है, लेकिन टिकट भी नहीं दिया। कौन से नेता ने आपसे डिमांड किया? डिमांड जो अभी क्या जो वही अपना वार्ड 14वां वार्ड जो है वही वार्ड में के हाथ में भी टिकट, कोई तो ऐसा नेता होगा जिनके पास टिकट। सर ने बोला कि तुम्हारे पास पैसा है क्या, चुनाई लड़ाई करने का है तो तुम्हारे पास 50 लाख रुपए है क्या, करोड़ रुपए है क्या, तो तुमको टिकट मिलेगा। भैया गरीब बने इलेक्शन ऐसे नहीं का, हमारे क्वालिफाई के भी हमको टिकट नहीं मिल सकता। सामान्य कार्यकर्ता ऊपर कैसे आएगा, कैसे उसको मिलेगा कि मैंने कुछ पुरस्कार, मैंने कुछ काम किया है तो मुझे कुछ अवार्ड रिवार्ड मिलेगा, कैसे मिलेगा? सामान्य कार्यकर्ता की क्या पद्धति है पॉलिटिकल सिस्टम में, इस चीज को भी हम जानना चाहते हैं। और आपके माध्यम से कि जो निष्ठावान कार्यकर्ता है, जो नीचे से मेहनत करके आते हैं, 15-20 साल से काम कर रहे हैं हम लोग, उनके लिए पार्टियां क्या सोचती है, किस ढंग से उनके साथ वो लोग व्यवहार करते हैं, ये भी आप मीडिया के माध्यम से हम जनता के सामने रखना चाहते हैं। आप कहीं मत जाना, देखते रहिए जेजेवी न्यूज, क्योंकि पेश होंगे कुछ और खबर। वागले क्राइम ब्रांच ने पकड़े 29 लाख के नकली नोट। जहां चुनावी माहौल में चुनाव प्रचार में लोग बिजी हैं, वहीं आज वागले के क्राइम ब्रांच ने 29 लाख से भरे पुराने नोटों के साथ एक शख्स को गिरफ्तार किया। वागले स्टेट के उपनिरीक्षक शिवराज केंद्रे ने बताया कि 3 हाथनाका पर सुनील रामकरण यादव नामक आरोपी, जो सांता क्रूज मुंबई का रहने वाला है, जो 30-35% पर पुराने नोटों को बदलने का काम कर रहा था। मिली जानकारी के अनुसार उसको गिरफ्तार किया गया और जब चेक किया गया तो उसके पास 29 लाख रुपया कैश बरामद हुआ। अब इस केस की जांच आयकर विभाग को सौंप दी गई है। आइए जानते हैं सहायक पुलिस निरीक्षक दीपक दलवी से। सर आपने, आप बताएंगे सर, जो आपने अभी ये मनी जो पकड़ा है, ब्लैक मनी जो पकड़ा है आपने, तो ये कैसे पकड़ा और इसका इन्फॉर्मेशन आपको कहां से? कल 6 तारीख को शाम को 6-7 बजे के आसपास हमको जो लैपटॉप चोरी होती है उसके लिए हमने ट्रैप लगाया था इटर्निटी मॉल के आजू बाजू में, इटर्निटी मॉल के आजू बाजू में। तो वहां से हमको हमारे जो PSI पेंद्रे साहब थे और उनके हवालदार एक्शन थे, उनको एक इन्फॉर्मेशन मिली कि वो इटर्निटी मॉल के सामने बस स्टॉप पे कोई आदमी जो बैन नोट है 500 और 1000 के वो लेके आने वाला है। तब तक हमने उधर ट्रैप लगाया तो वहाँ एक आदमी खड़ा था, उसके सस्पिशियस था आदमी, मतलब घूम रहा था, तो उसको हमने चेक किया तो उसके पास में हमको 29,29,97,500 इतने 500 और 1000 के नोट बरामद हुए। वो तो उसका वही पंचनामा सीज करके, सीज पंचनामा करके उसको आगे के कार्यवाही के लिए ऑफिस लेके आए और फिर इनकम टैक्स ऑफिसर से कॉन्टेक्ट करके फिर आगे की कार्रवाई के लिए उनके सुपुर्द कर दिया। सर आपने जो जिस बंदे को आपने पकड़ा है उस बंदे से पूछताछ किया तो उसमें कुछ पर्दाफाश हुआ क्या कि उनके पीछे कितने गिरोह हैं? ऐसे ये ऐसे ये कमीशन बेस पे काम करते हैं, जैसे कि जूना करेंसी हो वो नए करेंसी के लिए 60-40, 37-35 ऐसा वो ये करके ये कर रहे थे वो एक्सचेंज के लिए, लेकिन उसका आगे का सब जो इंट्रोगेशन है वो इनकम टैक्स ऑफिसर कर रहे हैं और हो जाएगा जो।